ऑस्ट्रेलिया ने जैसे मैंने कहा ना एक बार नहीं दो बार हमारा सपना तोड़ा इस साल। आपने गड्ढा खोदा तो गड्ढे में तो आप ही गिरे ना, आपकी बैटिंग गिर गई तो वो जीते। उन्होंने कहा जी हम आपको पहले बैटिंग कराते हैं। हमने सोचा कि हमें तो बैटिंग करनी ही थी। नहीं जीत पाए, बस कुछ तो कमी रह गई, रन कम थे, बट पता नहीं अजीब सा लगा। आज जो मर्जी कहे भारत का आज दिन खराब कहे, या ये कहे कि रोहित शर्मा का वो शॉट, या ये कहे कि केएल राहुल वो स्लो बैटिंग कर, को सपोर्ट कर रहे थे। Absolutely. I watched team to win today. और वो आज ऑस्ट्रेलिया ही थी। There was no doubt about that. I mean, my friends were there. They all were supporting India. टॉप टीम वही है जो एंड में कप लेकर जाए, वो ऑस्ट्रेलिया थी। कि यार जो टीम पांच बार वर्ल्ड कप जीती है भाई, जिस दिन वो आ गई नॉकआउट मैच में, जिस दिन आपको वो मिल गई फाइनल्स में, वो टीम ज्यादा खतरनाक है। अच्छा वो जीते, उन्होंने कहा जी हम आपको पहले बैटिंग कराते हैं। हमने सोचा कि हमें तो बैटिंग करनी ही थी। डिशेस को बेहतर रीड किया, वो जानते थे कि शाम को ड्यू गिरी भी, और उसके बाद गेंदबाज कुछ कर नहीं पाए। लगता है कि जो पिच की चॉइस थी सुरेश, वो ना आपको बयान कर रही थी कि आप अपनी ताकत पर नहीं जा रहे हो। आपने वाले को ये सोच रहे हो स्लो टर्नर बना देंगे, थोड़ा नीचा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया उसमें मर जाएगा। हुआ, आपने गड्ढा खोदा तो गड्ढे में तो आप ही गिरे ना, आपकी बैटिंग गिर गई। एक तो चलो 240, आपकी बात बिल्कुल सही है, 270 280 जो है ना वो वर्ल्ड कप फाइनल में एक स्कोर होता है बोर्ड पे टंगा। 47 रनों पर जब 7 ओवर में 3 विकेट गिर गई थी, हमें लगा अब तो तजुर्बा जो है ना अब हिंदुस्तान के गेंदबाजों का हो गया। 137 रन की पारी से हारा, या 240 रन भारत ने बनाए थे उससे हारा, या फिर ट्रेविस हेड का कैच था। अगर वो ट्रेविस हेड ने कैच रोहित शर्मा का ना पकड़ा होता, हो सकता है रोहित शर्मा का 100 होता है, 340 बनाए होते, हो सकता है इस वक्त जो हम भगड़े की बात कर रहे हैं भगड़ा भी चल रहा होता। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे मैंने कहा ना एक बार नहीं दो बार हमारा सपना तोड़ा इस साल में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ओवल और आज वर्ल्ड कप फाइनल। ट्रेविस हेड जो है ये तो ऐसा लगता है हमारे पीछे ही पड़ गए बिल्कुल। आप वर्ल्ड कप फाइनल पिछले कुछ उठा के देखें, ये एक्चुअली वन साइडेड था। 2003 में जो हुआ आज 2023 में भी हुआ भाई, वर्ल्ड कप फाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का सिलसिला जो है वो बदला नहीं। वहां पर भी क्या हुआ था, सबसे ज्यादा रन थे सचिन तेंदुलकर के, यहाँ विराट ने बड़े जबरदस्त बैटिंग की है, पूरे टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन गेटर है, भारत को टूर्नामेंट जीतने का मौका नहीं मिला। जैसे ही रोहित आउट हुए और आपका रन रेट बुरा नहीं था, विराट और केएल दोनों दबाव में आए, और केएल राहुल स्पेशली अगर दबाव में खेल रही थी, मतलब नहीं थी, लेकिन जैसे ही रोहित आउट हुए और आपका रन रेट बुरा नहीं था, विराट और केएल दोनों दबाव में आए, और केएल राहुल स्पेशली अगर दबाव में खेल रहे थे, और 10 से 30 ओवर के बीच श्वेता भारत ने 35 और 37 सिर्फ 72 रन बनाए। देखो तो ऐसा नहीं है कि सूर्या के कारण भारत 240 तक रुक गया, क्योंकि सुरेश वो जहां आए मुझे लगा कि शायद जिस चीज के लिए उनके लिए कहते ना आप ड्रीम्स आर मेड ऑफ दिस, कि मैं वर्ल्ड कप फाइनल में उस सिचुएशन में जा रहा हूं जहां पर टीम नीचे लगी हुई है, बट अगर सूर्या पूरा खेल जाते और नॉर्मल बैटिंग भी करते तो शायद 240 को ना आप 270 तक लेकर जा सकते थे। 270 240 में कहने को 30 रन है।